हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पांजलि आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। और आज मैं आप लोगों के साथ एक बॉटल डीआईवाई शेयर करूंगी, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहां पे एक ग्लास का बॉटल लिया है हमने और एक बाउल लेंगे, उसमें फेविकॉल निकालेंगे और इस बॉटल पे हमें लगाना, तो एक ब्रश लेंगे, उसमें से हम बॉटल के चारों तरफ अच्छी तरह से हमें ग्लू को लगा देना है इस तरह से। ग्लू को लगा लिया हमने और इसमें मैं स्पार्कल डालूंगी, तो यहाँ पे मैंने सिल्वर कलर का स्पार्कल लिया हुआ है और उसको हम बॉटल के ऊपर धीरे धीरे इस तरह से डालेंगे जो कि ग्लू के साथ में चिपक जाएगा। और अब अपनी पसंद का कोई दूसरा कलर का स्पार्कल भी ले सकते हैं। चारों तरफ हमें इसे धीरे धीरे घने पे लगाना है, घना करके, जिससे कि देखने में अच्छा लगेगा। और जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत छूट गया है वहाँ पे भी हम लगा देंगे स्पार्कल। और अब इसे हम ड्राई होने के लिए, सूखने के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे कि अच्छी तरह से सूख जाए इसका ग्लू। तो ये सूख गया है 10 मिनट बाद। सेम बाउल पे हमने और फेविकॉल लिया है, उसमें हमने एक चम्मच पानी डाल दिया है और इस मिक्सचर को हम तैयार कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स करके। और अब इसे हम बॉटल के ऊपर लगाएंगे स्पार्कल के ऊपर धीरे धीरे से, और जो स्पार्कल बाहर की तरफ निकल के आ रहा है, मतलब झड़ टाइप का रहा है, और ऐसा करने से वो नहीं निकलेगा, तो इसलिए हम इसको चारों तरफ से लगा देंगे बॉटल पर। और इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए सूखने के लिए रख देंगे। आप इसे धूप पे भी रख सकते हैं तो जल्दी सूख जाएगा। जब तक वो सूख रहा है तो यहाँ पे हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेपर लिया हुआ है रेड और वाइट कलर का, इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है और इसका मैं हार्ट शेप बनाऊंगी। तो इस तरह से सीजर लेना है और हमें इस तरह से इसके छोटे छोटे से हार्ट निकाल लेने हैं। और सेम साइज के हमें नहीं निकालने हैं, हमें कुछ बड़े कुछ छोटे इस तरह से हमें मिक्स निकालने हैं, कट कर लेंगे हम। और वैलेंटाइन डे पे ये किसी को गिफ्ट करने के लिए बहुत अच्छा आइडिया है, खुद से बना के आप गिफ्ट कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह से हम व्हाइट पेपर का भी हार्ट बना लेंगे। कम से कम हमें 15 से 20 इस तरह से छोटे बड़े मिक्स हार्ट बनाने हैं। और जिसको अगर आप गिफ्ट करना चाह रहे हो किसी को, तो उनकी फ़ोटोग्राफ लेना है, उसे भी आप हार्ट शेप पे इस तरह से काट ले। तो मैं यहाँ पे एक ही फ़ोटो यूज़ करूँगी, आप चाहें तो 3 या 4 फ़ोटो यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने स्टिक ली हुई है, इनको मैंने पेंट कर लिया ब्लैक कलर का। तो इन्हें हम कुछ छोटे और कुछ बड़े साइज में हमने तोड़ लेंगे और अब हम फोटो को स्टिक करेंगे। तो उससे पहले मैंने जो हार्ट शेप बनाया उसमें जिसके लिए आप बना रहे हो गिफ्ट करने के लिए, तो उनके बारे पे आप कुछ लिख सकते हैं, इनमें कुछ मैसेज टाइप का।
तो ये सारे हार्ट्स पे मैंने मैसेज लिख लिया है। और अब यहाँ पे हम स्टिक पे इनको लगाएंगे। तो सबसे पहले हम फोटोग्राफ वाला बनाएंगे, तो एक बड़ी स्टिक हमें चूज़ करनी है और उसके बैक साइड पे हमें इस तरह से स्टिक लगानी है सेलो टेप से। तो छोटे बड़े हार्ट को मिक्स करके हमें इस तरह से लगा देना है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो सेम इसी तरह से हम बाकी के हार्ट्स को भी लगाएंगे स्टिक पे। आप चाहे तो दो या तीन फोटो भी यूज कर सकते हैं एक्स्ट्रा। सारे स्टिक में इस तरह से हम हार्ट्स को लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो बॉटल भी अच्छी तरह से ड्राई हो गई है। और यहाँ पे मैंने लाइट ली हुई है, जो लाइट हम दिवाली पे लगाते हैं वो वाली, तो उसको हम बॉटल के अंदर डालेंगे। और उसके बाद जो हमने स्टिक बनाई हुई है इनको हम डाल देंगे इस तरह से। और ये देखिए मैंने इसको लगा भी दिया है और ये कितनी प्यारी लग रही है। और ये किसी को गिफ्ट करने के लिए बहुत अच्छा आइडिया है और बहुत ही ईजी है। तो ये बनकर एकदम रेडी है और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। वैलेंटाइंस डे पे आप इसे ज़रूर किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत बना है और बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत जल्दी बनने वाला है। तो आप अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।